अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मनदशा का नोवल मन आजम का एपिसोड 77 विच इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस ब्यूटीफुल नोवल। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसकी सांसें उखड़ रही थी, बहुत कोशिश के बावजूद भी वो सांस नहीं ले पा रही थी। बंद होती आंखों से उसे इस वक्त बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह ज़ारा अमल और अपने पीटर मैन को देख ले। मोनिटर स्क्रीन पर चलती लाइन एकदम सीधी होती टेढ़ी हो रही थी। उसकी तकलीफ हद से सवा हो रही थी। हेलो, आई एम ज़ारा तुरैद, फ्यूचर फाइटर पायलट, उसके कानों में अपने कहे जुमले दोहरा रहे थे। हेलो, आई एम अलीहा तुरैद, फ्यूचर फाइटर पायलट, उसके कानों में अपने कहे जुमले दोहरा रहे थे। एमरजेंसी वार्ड की छत पल भर में आसमान बनी थी और उसने उस आसमान में खुद को यूनिफॉर्म पहने जहाज उड़ाते देखा था। उसके लबों पर आंसूदा सी मुस्कुराहट मचली थी। छम छम, उसके कानों में अमल की खनकती आवाज़ गूंजी थी। तुम मज़ीद चॉकलेट्स नहीं खाओगी अलीहा, सारा की आवाज़ उसे मध्यम सुनाई दी थी। पीटर मैन ऑलवेज देयर फॉर यू, सुभान का चेहरा धुंधलाया था उसकी आंखों के सामने। चले अलीहा, उसके बिल्कुल पास उसे अपने पापा खड़े दिखाई दिए थे। पापा, उसने बोलना चाहा था, उससे बोला नहीं गया था। उसकी रूह आसूदगी की तरफ जा रही थी। आखिरी सांस मादूम होने तक उसने शिद्दत से ख्वाहिश की थी अपनों को देखने की, मगर वो तन्हा थी इस एमरजेंसी वार्ड में। मॉनिटर स्क्रीन की लाइन बिल्कुल सीधी हुई थी। वो अपने पापा का हाथ थामे आसमानों का सफ़र कर रही थी। वो लोग हॉस्पिटल का गेट क्रॉस कर रहे थे जब उसकी रूह परवास कर गई थी। घाट से उतरते ही उसने फिजा में अनजाने सी महक महसूस की थी। जब ही उसे ऐसा लगा था कि किसी ने बड़ी नरमी से उसकी पेशानी पर लब रखे थे। हाँ, वो ही तो थी। जाते जाते अलविदा बोसा अपने लम्स से आशनाई उसे सौंप गई थी। ज़ारा ने दिल पर हाथ रखे उसे महसूस किया था और फिर पागलों की तरह हॉस्पिटल के अंदर दौड़ी थी। आई एम सॉरी, योर पेशेंट इज नो मोर, डॉक्टर कार्ल्स ने नम आंखों से कहा था। अलीहा, अलीहा, डॉक्टर की बात सुनते ही वो पागलों की तरह चिल्लाती दीवार के साथ सर मारने लगी थी, यहाँ तक कि सर में से खून उबलने लगा था। अमल दौड़ती हुई इमरजेंसी रूम में गई थी। सफ़ेद चादर को उसके मुँह से हटाया तो हाथों की प्यालों में उसका मुर्दा चेहरा लिए दीवाना वार चूमने लगी थी। नो अलीहा, यू हैव टू कम बैक, जान ऐसे मत करो, उठो हमें घर जाना है, चलो उठो हमें पापा वाले घर जाना है। उसके मुर्दा वजूद को झिझोड़ते हुए वो चीखते हुए कह रही थी, मगर वो फूल तो कब से मुरझा चुका था। सुभान ने आगे बढ़कर उसके ठंडे पाँव से चादर हटाकर उसके पाँव को दीवाना वार चूमा था। अलीहा, पीटर मैन की जान किस सफ़र पर चली गई अकेले, हम सबको बेबस छोड़कर, वो पागलों की तरह रो रहा था। प्लीज़ अलीहा, वापस आओ, हमें नहीं जीना तुम्हारे बगैर, वो अब उसकी पेशानी चूमते हुए कह रहा था। नशरा दूर खड़ी उस मुर्दा सफ़ेद फूल को देख रही थी। असान, अरहान, नशरा, माइदा, माहिर सभी तो उन दिनों को संभालने में नाकाम हो रहे थे। उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन साथ उनका हाथ छोड़कर इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके अपने सफ़र पर रुखसत हो चुका था। वो मंजिलें भी खो गईं, वो रास्ते भी खो गए। वो आशना से लोग थे, वो अजनबी से हो गए। ना चांद था ना चांदनी, अजीब थी वो जिंदगानी। चिराग थे कि बुझ गए, नसीब थे कि सो गए। ये पूछते हैं रास्ते, रुके हो किसके वास्ते, चलो अब तुम भी चलो, वो मेहरबान भी खो गए। अलीहा तुरैद वल तुरैद हसन, तारीख पैदाइश 21 अगस्त 2005, तारीख वफात 10 नवंबर 2021। ये फूल अपनी लताफत की खुशबू पा ना सका, खिला ज़रूर मगर खुलकर मुस्कुरा ना सका। कब्र पर लिखा कुतबा उसने बड़े इनहमाक से पढ़ा था, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथ दुआ के लिए उठाए थे। पास ही उसके मामा और पापा खड़े थे। अपनी माँ को दुआ में हिचकियों से रोते देख उसने नागवारी से नाक चढ़ाई थी। सी हाला, मामा जब भी आपके पास आती हैं ऐसे ही रोती हैं, एंड आई हेट हर टीयर्स, आपने मेरी मामा को टीयर्स ही क्यों दिए हैं, एंड आई एम गेटिंग जेलस फ्रॉम यू कॉज मॉम सेट, वो अलीहा असहान हयात मलिक से ज़्यादा अलीहा दुरैद से मोहब्बत करती हैं और करती रहेंगी, उसने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा था। आ वन मोर थिंग, अलीहा असहान हयात मलिक थी, अलीहा दुरैद से बहुत मोहब्बत करती है, लव यू हाला मोर एंड मोर। उसने अपने हाथ की उंगलियों को लबों के पास लाते उन पर किस करके उसकी कब्र की मट्टी पर रखा था अपने नन्हे मुन्ने हाथ को। चले असहान, चले
अजहान ने दुआ ख़त्म करके अलीहा और ज़ारा की तरफ देखते कहा था, फिर बाहरी की तरफ बढ़े थे और गाड़ी में बैठे थे। एजी आप मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे, अलीहा ने गाड़ी में बैठते कहा था। इसलिए कि हाइम का बर्थडे है और वो मिस करेगा तुम्हें, अजहान ने गाड़ी चलाते हुए रूठी अलीहा की तरफ देखते कहा था। तो फिर आपको अफनान को भी नहीं लेकर जाना चाहिए, उसने नाक चढ़ाते हुए कहा था और ये उसकी नाराज़गी का पक्का सबूत था। अलीहा अफनान छोटा है, वो नहीं रह पाएगा हमारे बगैर, ज़ारा ने उसकी तरफ देखते नरम लहजे में कहा था। एजी आप ज़ारा दुरैद से कह दें अगर अलीहा अजहान 8 साल की और अफनान अजहान 6 साल का है तो इसमें अलीहा अजहान का क्या कसूर है, उसने अपने लंबे कर्ली बालों को कांधों से पीछे करते रूठे लहजे में कहा था। अजहान और ज़ारा ने पल भर में चौंक कर देखा था उससे, वो बिल्कुल उस जैसी ही तो थी, वैसी ही नाक, वैसे ही बाल, वैसी ही आवाज़, कुछ भी तो अलीहा अजहान का अलीहा दुरैद से मुख्तलिफ ना था। आप दोनों की बेटी हुई तो उसका नाम अलीहा रखना और उसे फाइटर पायलट बनाना, दोनों के कानों में अलीहा दुरैद के कहे गए जुमले गूंजे थे। एजी मुझे भी अपनी फैमिली के साथ उम्रा करना है प्लीज़, उसने इस बार नम आंखों से रिक्वेस्ट की थी। मगर अलीहा हाइम, ज़ारा ने बेबसी से कहा था। तुम यहीं रहोगी अलीहा, अजहान ने दो टोक लहजे में कहा था और गाड़ी घर के पार्किंग एरिया में आकर रुकी थी। वो तेज़ी से गाड़ी से नीचे उतरी थी और अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। अलीहा क्या हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठे सुभान ने उसके यूं नाराज़गी से जाने पर उससे पूछा था। कुछ नहीं, उम्रे पर जाना है साथ, बट हम चाह रहे हैं वो यहाँ रुककर हाइम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें, ऐसे हाइम को अकेले बुरा लगेगा, ज़ारा ने ड्राइंग रूम में आते कहा था। ज़ारा अगर वो जाना चाह रही है तो ले जाओ, यहाँ रहकर वो ज़्यादा मिस करेगी तुम तीनों को, अमल ने कहा था। ज़ारा मामा वो रोएगी, देन आई फील बैड, आई थिंक आपको उसे साथ ले जाना चाहिए, हाइम ने कहा था। चलो पार्टनर मनाते हैं उससे, सुभान ने हाइम से कहा था। फिर वो हाइम और नशरा अलीहा के रूम की तरफ बढ़े थे। अलीहा, सुभान ने अंदर जाते ही उसे आवाज़ दी थी, नो पीटरमैन, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अलीहा ने रोते हुए कहा था। मुझसे भी नहीं, नशरा ने अलीहा के पास बैठते कहा था। नो क्यूट पुपो, आपसे भी नहीं, उसने भराई आवाज़ में कहा था। नशरा पुपो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बर्थडे अलीहा की उम्र से वापसी पर ना सेलिब्रेट कर लूँ, हाइम ने सोचते हुए कहा था। क्या सच में हाइम, क्या ऐसा पॉसिबल है, अलीहा ने अपने फूले फूले गालों से आंसू साफ करते हाइम की तरफ देखते कहा था। यस पॉसिबल है, कोर्स हम सब अलीहा को रोता हुआ नहीं देख सकते, तीनों ने यकजुबान कहा था और फिर चारों हंसने लगे थे। अगले दिन वो चारों उम्रे के लिए चले गए थे, अजहान, ज़ारा, अफनान, अलीहा। वो पिछले कई सालों से एक ही ख्वाब देख रही थी, खुद का सहने हरम में निकाह, और इसी ख्वाहिश के हसूल के लिए वो आज सहने हरम में मौजूद थी। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही उसका और अजहान का पूरे 9 साल बाद एक बार फिर से तजदीद निकाह हुआ था। वहीं सहने हरम में एक बार फिर से उनकी मोहब्बत मोतबर हुई थी। फिर वो रोज़ा रसूल पर आए थे, रोज़ा रसूल की जालियों के पास खड़े दोनों ने रो रो कर अपनी आल औलाद के लिए बख्शीश, अपने नबी की मोहब्बत, अपने रब की इत्तात और अपनों की खुशियाँ मांगी थी। रोज़ा रसूल की जालियों के पास बैठी अलीहा अफनान को दरूद इब्राहिम याद करवा रही थी और उसके पीछे पीछे लफ्ज़ वो दोहरा रहा था। ज़िंदगी कितनी मुकम्मल थी, रब ने दोनों की ज़िंदगी में हर रंग भरा था, वो किस किस नेमत पर अपने मालिक का शुक्र अदा करते। दोनों ने नज़र भर कर सामने गुम्बद खिज़रा के हसीन मंजर को देखा था। शुक्रिया मोहम्मद अरबी, आपके दर से मिली है रात ने मेरी ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी से भर दिया है, उसने दिल पर हाथ रखकर नज़रें झुकाकर बाअदब होकर रोज़ा रसूल पर खड़े दरूद भेजा था अपने नबी पर। दोनों अपने अपनी ज़िंदगी के अंधेरों का मुकाबला करते रोशनी की तरफ लौटे थे और वहीं खड़ी हाकिम बाबा की रूह ने उनके जगमगाते चेहरों को देखते कहा था। मन आजम मुबारक आसमानी जोड़े, और वही ये मोहब्बत अपनी पाकिजगी पर पूरे दिल से झूमी थी। एक ही मिट्टी से बनाए गए दो बुतों को आसूदगी बख्श दी गई थी। हयात मलिक और अलीहा की डेथ बॉडी वो पाकिस्तान ले आए थे, दोनों को उनके आबाई कब्रिस्तान में ही आकर दफनाया गया था। अजहान ने बड़ी मुश्किल से ज़ारा को और अरहान ने बड़ी मुश्किल से अमल को संभाला था। यावर अहमद को कत्ल केस के सिलसिले में फांसी की सजा सुना दी गई थी। अरहान अजहान ने इस मुश्किल वक्त में बड़ी मुश्किल से ज़ारा और अमल को संभाला था। अजहान इलेक्शन लड़े बगैर ही पार्टी टिकट जीत चुका था क्योंकि उसका मुहालिफ जेल में था और सारे वोट उसे मिल गए थे। सुभान ने हयात मलिक की मौत के बाद सच न्यूज़ को उसको एक्सपोज करने से मना कर दिया था। वो हयात मलिक की गुनाह भी उसके साथ ही दफन कर देना चाहता था। अलीहा की वफ़ात के 2 माह बाद जब ज़ारा दरगाह पहुंची तो उसे हाकिम बाबा की मौत का पता चला था।
ज़ारा के लिए अलीहा के बाद ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था और असहान के लिए भी। अलीहा के लिखे गए नोट्स और उन पर बने आंसुओं के निशान वो आज भी उसकी यादगार नसीहत याद करके रोते हैं। मगर वक्त कहाँ रुकता है, ठीक 6 माह बाद अरहान और असहान ने सुभान और नशरा डेल्टन और बेंस की पाकिस्तान में ही धूमधाम से शादी करवाई थी, क्योंकि ये बेंस की ख्वाहिश थी कि नशरा के साथ ही उसकी भी शादी हो। शम्स साहब को बड़ी मुश्किल से ज़ारा ने मायदा और माहिर की शादी के लिए मनाया था और फिर मायदा के कहने के मुताबिक वो खुद उसे माहिर के हुजलाए अरूसी में छोड़कर आई थी। हाँ, ये सच है, अपनी मोहब्बत पा लेने के बाद उसने मोहब्बत के लिए असूल बदल दिए थे अपने। अरहान और अमल को अल्लाह ने खूबसूरत बेटे हाइम से नवाजा था और हाइम के पैदाइश के साल बाद ज़ारा और असहान की गोद में अलीहा जैसी रहमत उतरी थी, जिसे देखते ही उन्होंने अलीहा का नाम दिया था। और फिर अलीहा से 2 साल छोटा अफनान था। सुभान और नशरा को अल्लाह ने 2 खूबसूरत बेटियों से नवाजा था जो ट्विंस थीं। डेल्टन और बेंस को भी एक बेटी और बेटा था जबकि अल्लाह ने मायदा और माहिर को अभी औलाद की नेमत से महरूम रखा था। सब ने अपने अपने हिस्से की तकलीफ़ें काट कर अपनी ज़िंदगियों की आसानियों को बड़ी मुश्किल से पाया था। सब ने ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, मगर सबसे बड़ा लॉस उन सबकी ज़िंदगियों में अलीहा दुरैद का था, जिसे वो शायद अब अलीहा असहान की मौजूदगी से भर रहे थे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बड़े कमाल का है, मगर इसको समझने के लिए भी कमाल हमारी दस्तरस में होना चाहिए। हर किसी के नसीब में ये कमाल नहीं होता। जैसे हयात मलिक सारी उम्र एक ऐसे सिराब की जानिब भागते रहे जिसने मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर उन्होंने खुद अपने ही हाथों से अपनी जान ली। वो अपनी ज़िंदगी के अंधेरों में नूर की रोशनी की एक बूंद भी शामिल ना कर सके, मगर इस नूर की एक बूंद से अपनी पूरी ज़िंदगी को रोशन उन्हीं के बेटे ने किया। अपनी ज़िंदगी की असल को पहचान कर, ये जान कर कि मिट्टी से बने मिट्टी बनने वाले इंसान पर घमंड और गुरूर ना कभी सजा और ना ही सजेगा। मगर मेरे नज़दीक ज़िंदगियों में रोशनियों को भरने का हुनर अगर इस पूरे सफ़र में किसी के पास था तो वो हाकिम बाबा थे। बेलोस मोहब्बत करने वाले, शफीक, नरम दिल, नरम गुफ्तार, मेहरबान इंसान, जिन्होंने अपनी बूंद बूंद रोशनी है रब की रजा से हर उस बिगड़े हुए शख्स की तरफ बढ़ाई जो हदायत की तरफ लौटना चाहता था। उनका ताल्लुक अपने रब से हकीकी था, क्योंकि वो इश्क हकीकी की लाजवाल मंजिल पर गामजन थे और याद की दीद रोज़े महशर उनके मुकद्दर में लिखी गई थी और वही दिन उनकी ईद का दिन होगा। अलीहा तुरैद एक रोशन चमकता सितारा जिसने हैर और भलाई बांटी अपने चाहने वालों में, जिसकी तरबियत उसकी रोशनी की अक्कास थी, जिसका अक्स भी बेमोल नहीं था, जो पाक थी जन्नत की हूर की तरह, जिसे मन आजम उसके दिल पर लिख कर ज़मीन पर उतारा गया था। और सुभान जाफर बेलोस मोहब्बत बांटने वाले इंसान जिसने सच की राह पर चल कर पराए रिश्तों को अपनों से बढ़कर चाहा था, अपनों से बढ़कर इज्जत एहतराम और मोहब्बत बांटी थी। याद रखिएगा, मन आजम नसीब वालों को मिलता है और मन का मैल बड़ी मुश्किल से धुलता है। कोई भी मंजिल आसान नहीं होती, शर्त यह है कि सदाकत होनी चाहिए। उम्मीद है इस कहानी के किरदारों से, इस कहानी के लफ्ज़ों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इमोशंस, इश्क, इश्क हकीकी, रब और उससे जुड़े ताल्लुक, अपनों की बेतबारी और दिए गए दुखों में डोलती डूबती ज़िंदगी को बचाती मन आजम की रोशनी की लाजवाल दास्तान आपको हमेशा याद रहेगी। सो लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल नावल। लिसनर्स, Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.